दोस्तों, टेक्नोलॉजी और एक से बढ़कर एक एडवांस मशीनों से भरी हमारी इस दुनिया में हाथ से करने लायक कोई काम बचा ही नहीं। हर तरह के काम मशीनों से ही किए जाते हैं, चाहे ये काम खाने पीने की चीजें बनाना हो या फिर कोई अन्य। और सबसे खास बात तो ये भी है कि न जाने क्यों इन मशीनों को काम करते हुए देख हमारे मन में एक अलग ही खुशी का आभास होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक इसी प्रकार की कुछ मशीनों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। टोमेटो सॉस फैक्ट्री। दोस्तों, किसान सॉस तो हम सभी के घर में काम में लिया जाता ही होगा, और सॉस खाते समय हम सभी ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ये सॉस बनाया कैसे जाता है, क्योंकि सिर्फ टमाटर को उबालकर उसकी प्यूरी बनाने से सॉस नहीं बन सकता। चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये कंपनी सॉस कैसे बनाती है। सॉस फैक्ट्री में सबसे पहले ताजा और उमदा क्वालिटी के टमाटर इकट्ठे किए जाते हैं और इन्हें फैक्ट्री में लाकर एक कन्वेयर बेल्ट पर गर्म पानी में अच्छी तरह से धोने के लिए भेज दिया जाता है। धुलाई होने के बाद इन टमाटरों को छंटने के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें सड़े गले और हरे टमाटरों को बाहर कर दिया जाता है। अब बचे हुए साफ सुथरे टमाटरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर पानी बचाते हुए गर्म स्टीम की मदद से उबाल लिया जाता है और यहाँ से इन्हें एक ग्राइंडर में पीसकर पेस्ट बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अच्छी तरह से पीसने के बाद अब लगभग तैयार हो चुके टोमेटो सॉस को लाया जाता है एक मिक्सर में। मिक्सर में इस सॉस के साथ ऑयल, शुगर और पानी ऐड करके बॉटल्स में पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। कैडबरी जैम्स। दोस्तों, कैडबरी जैम्स तो आप सभी ने खाई होगी और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे जैम्स पसंद ना हो। अब इन जैम्स को कैसे बनाया जाता है ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चॉकलेट पाउडर, दूध और ऑयल की मदद से चॉकलेट लिक्विड बनाया जाता है। अब इस लिक्विड को रोलर मशीन में डाला जाता है और इसी रोलर से चॉकलेट को जैम्स का शेप मिलता है। रोलर मशीन से बाहर निकलती है कुछ इस तरह की जैम्स की शीट। अब इस शीट के छोटे छोटे टुकड़े कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे दूसरी मशीन में भेजे जाते हैं, जहां इन टुकड़ों से जैम्स के पीसेज को अलग अलग करने का काम होता है। अब इन पीसेज को एक मिक्सर में डालकर उन पर शुगर इंग्रेडिएंट्स लगाए जाते हैं, जिससे कि इनका कलर व्हाइट हो जाता है। व्हाइट जैम्स को कलर देने के लिए इन्हें एक और मिक्सर में डाला जाता है, जिसमें लगे स्प्रे की मदद से इन पर अलग अलग कलर्स लगा दिए जाते हैं। माचिस। दोस्तों, माचिस हर किसी की लाइफस्टाइल का एक अभिन्न अंग है। माचिस यूज सभी करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि माचिस कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो से जुड़े सभी लोग जरूर जानने वाले हैं कि माचिस का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। माचिस बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ का एक बड़ा तना लिया जाता है। इसके बाद लकड़ी के गट्ठे को एक मशीन में लगाया जाता है और इस मशीन में लकड़ी की तिल्ली की जितनी मोटी शीट्स कट की जाती हैं। अब इन शीट्स को एक और मशीन में डालकर तिल्लियों का रूप दे दिया जाता है। इसके बाद एक जालीनुमा कन्वेयर बेल्ट पर इन तिल्लियों की छंटनी करके परफेक्ट स्टिक्स और खराब स्टिक्स को अलग अलग किया जाता है। अब शुरू होता है केमिकल डिपिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक मशीन तिल्लियों को सेट करके केमिकल से भरे कंटेनर में डुबाती है। अब इन तिल्लियों को सुखाकर इनका एक सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्ट के बाद इन तिल्लियों को मैच बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। अब बात करेंगे आपकी और हमारी फेवरेट चॉकलेट किटकैट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। किटकैट बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में वेफर्स तैयार कर लिए जाते हैं। अब इन वेफर्स पर चॉकलेट की लेयर लगाई जाती है और इसे चॉकलेट लगी हुई तीन लेयर्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया जाता है और इसके बाद एक मशीन इन वेफर्स को एक लंबी लाइन में कट कर देती है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस में इन वेफर्स की एक और चॉकलेट कोटिंग करके पैकिंग लाइन में भेज दिया जाता है। तो लीजिए, तैयार है आपकी मनपसंद किटकैट चॉकलेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।